नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम और आज का हमारा विषय है, यदि आपके भवन में, आपके मकान में कोई वास्तु दोष है, मकान बनाते समय कोई कमी छूट गई और वर्तमान में आप अपने मकान में तोड़फोड़ नहीं करना चाहते, तो बिना कोई फेरबदल किए, बिना कोई बदलाव किए किस प्रकार से आपके घर में वास्तु दोष की संपूर्ण शांति होगी। प्रिय मित्रों, कई बार जानकारी के अभाव में मकान में वास्तु दोष रह जाता है, तो आज इसी विषय में बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियाँ बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सटीक जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, घर में वास्तु दोष होने पर अपनी पूजा में आप संपूर्ण वास्तु दोष निवारक यंत्र किसी भी रविवार के दिन प्रातःकाल स्थापित करें, नियमित रूप से उसको स्नान करा करके तिलक करें और आपकी पूजा में श्री यंत्र भी स्थापित करें। जिस घर में पूजा में यह दो यंत्र होते हैं, श्री यंत्र और वास्तु दोष निवारक यंत्र, वहां सभी प्रकार के वास्तु दोष अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। नंबर दो, सभी बड़े त्योहारों में होली, दीपावली, जन्माष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि आप 10 से 15 मिनट ओम वास्तु पुरुष देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। कोई भी बड़ा त्यौहार आए तो अपने घर में पूजा करने के उपरांत 10 से 15 मिनट इस मंत्र का जाप करें। नियमित रूप से त्योहारों में इस मंत्र का जाप करने से भी संपूर्ण वास्तु दोष शांति हो जाती है। दोस्तों, रविवार के दिन प्रातःकाल एक जटा वाला नारियल सूती कपड़े में बांधकर, सूती कपड़ा नया होना चाहिए, उसको पूरे घर में घुमाएं और उसको वास्तु पुरुष का ध्यान करके जल में प्रभावित कर दें। ऐसा करने से भी वास्तु शांति हो जाती है। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से जो उपाय आप बड़े आराम से कर सकें उन्हीं का चुनाव करें। दो या तीन उपाय कर सकते हैं तो उतने करें, सारे कर सकते हैं तो सारे भी कर लें। दोस्तों, घर के मेन गेट के सामने रसोई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यह बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा होने से घर के जो मेंबर्स हैं, भोजन का उनके स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर के मेन गेट के सामने जीना यानी कि सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। साथ में इस बात का खास ध्यान रखें आप कि आपके घर का मुख्य द्वार जहाँ तक हो सके पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। घर में किसी प्रकार के कांटेदार वृक्ष होना वास्तु के दृष्टिकोण से बेहद अशुभ माना जाता है। घर में दूध वाले पौधे होना भी अशुभ होता है। आपके घर में ज़्यादा बेहतर होगा फूल, खुशबूदार फूल वाले वृक्ष होने चाहिए और सुंदर वृक्ष होने चाहिए। यह आपकी घर की सुख शांति के लिए काफ़ी अच्छा उपाय माना जाता है। तो दोस्तों, बहुत छोटी सी जानकारी है लेकिन कुछ सटीक बातें मैंने आपको बताई और मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।